नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम कल्पा हिमाचल प्रदेश में हैं। आज दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे हो रही है। सबसे पहले आज हम चीनी विलेज विजिट करने के लिए आए हैं। इस समय मैं जिस जगह खड़ा हूं ना, यहां पर बसेस खड़ी होती हैं, तो अगर आप रिकोंगपियो से यहां तक बस में आना चाहते हैं तो बस वाला आपको यहां पर लेकर आएगा। रिकोंगपियो यहां से पास ही हार्डली 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए अंदर विलेज की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर टेंपल विजिट करने जा रहे हैं और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है। गांव के रास्ते से 100 मीटर पैदल चलकर हम मोनेस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। इस समय यहाँ पर कोई है नहीं। चलिए नजदीक चलकर देखते हैं। यहाँ पर यह बोर्ड लगा हुआ है, इस मोनेस्ट्री का नाम है लोगवा लाखांग मोनेस्ट्री। वाओ, व्यू कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, ऊपर बादल, एकदम शांत वातावरण। रास्ते में मैं चलते हुए देख रहा था, बड़े सारे बोर्ड लगे हुए थे होम स्टेज के, तो इसका मतलब यहाँ पर रहने की सुविधा है। चलिए अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री के एंट्री गेट तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मोनेस्ट्री बहुत प्राचीन है। लोचवा रिंचेन रिंगपो जी ने मोनेस्ट्री बनाई थी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 108 मोनेस्ट्रीज बनाई हैं। 1959 में यहाँ पर आग लगने की वजह से वो मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद लोकल विलेजर्स ने यहाँ पर एक और मोनेस्ट्री बनाई, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। इसका नाम दिया सामदुप शॉयलिंग। यहाँ पर लोचवा रिंचेन रिंगपो जी की होलिस्टिक टूपा में इंस्टॉल्ड है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? इसको कूट की मिलाना पड़ता है। नहीं, ये क्या चीज है? ये सत्तू। हाँ, जौ का। देख सकते हैं, तो ये सत्तू ऐसा सूखा हुआ है, ये सुखाना पड़ता है। ये तो पहले आपने इसको वो किया? हाँ, इसको लामा लोग बनाते हैं ना, ये लामा लोग बना के फिर अंदर बुद्ध मंदिर के पास वो पूजा करते है। तो ये कब से सुखाया हुआ है सत्तू? पिछले साल का। इसको फिर सारे घी लगाएंगे, चूल्ही का तेल लगाएंगे और धूप लगाएंगे, चावल लगाएंगे। ये पूजा के लिए कि खाने के लिए? नहीं, पूजा के लिए। आप इसी गांव में रहते हो? हाँ जी। पहले तो यहाँ चीनी बोल रहे थे, चीन आ रहे थे पहले जमाने में ना, अब चीनी तो अब नहीं है, अब हो गया कल्पा। अच्छा, पुराना नाम चीनी गांव करके बोलते थे? चीनी गांव है पुराना वाला। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर ना किन्नौर में जब से हम आए हैं, हम देख रहे हैं सब लोग इस तरह की टोपी पहनते हैं। एक तरफ से हरा। हाँ जी, मुंह में लगाते है ना। पहले के आदमी का तो ऐसे बिना पट्टी का था, ऐसे पहने थे पहले के आदमी लोग ना, बहुत बुजुर्ग लोग हुए तो बहुत एव था। तो उसके बाद तो अब बुजुर्ग लोग उठ के भागे, अब नया मंडल जमाना आ गए। लेकिन ये अच्छा लगता है टोपी पहन के। पूरे किन्नौर में सब लोग ऐसा टोपी पहन के रखते हैं, एक तरफ से हरा, इधर से ऐसा ब्राउन। ये गाँव में कितना, 1000 से ज्यादा आबादी है कि कम है? 1000 से ज्यादा। यहाँ पर कितने होम स्टेज होंगे रहने के लिए? होटल बहुत है ना, लोग रहते हैं यहाँ पर? आ रहते हैं, आजकल आ रहे हैं, बैठ रही है। ठीक है जी, धन्यवाद। वो आप कर लीजिए अपना काम, कर लो। मोनेस्ट्री के साथ ही अभी हम फोर्ट विजिट करने आए हैं। मेरे साथ इस गांव के निवासी हैं अजीत जी। तो इन्होंने हमें बताया कि जो फोर्ट आप सामने देख रहे हैं ना, ये हाल ही में बना है, 6-7 साल हुए हैं। तो यहाँ पर ना पहले चंडिका देवी विराजमान थी, वो यहाँ विराजमान नहीं थी, नज़दीक में मंदिर है वहाँ पे थी। उसके बाद वो कोठी गांव चली गई, हम कल गए थे वहाँ पे देवी के मंदिर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि चंडिका देवी के जो हथियार है ना, जब उन्होंने राक्षसों का वध किया था, वो यहाँ पर है। तो ये जो फोर्ट है जहाँ पर अंदर उनके हथियार है, ये कब खुलता है? ये खुलता है आपका अगस्त में, एक कश्मीर मेला होता है, फुलाज मेला, उस टाइम देवी जी यहाँ विराजमान होते हैं। तो एक साल में एक ही बार खुलता है? एक ही बार। अच्छा, सही है। तो वो आप हमें मंदिर तक लेके चल सकते हैं? इनके साथ हम नज़दीक में एक टेंपल विजिट करने आए हैं।
इस समय यहाँ पर पुजारी जी नहीं है, ताला लगा हुआ है। पहले चंडिका देवी जी यहाँ पर विराजमान थी, फिर इन्होंने बताया कि यहाँ से चंडिका देवी जी को कोठी गांव ले गए, क्योंकि पहले इस गांव की आबादी बहुत कम होती थी और कोठी गांव की आबादी ज़्यादा थी। तो अभी यहाँ पर जो यहाँ देख के मैं पढ़ पा रहा हूँ कि विष्णु जी का मंदिर है, नारायण जी का और नागिन देवी जी का मंदिर है ये। सही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और अभी टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यहाँ पर, काफ़ी आते हैं। अंदाज में कितने होम स्टे और गेस्ट हाउस होंगे इस जगह? इसमें आपको 10-12 एक तो होम स्टे है, 12 के करीब होम स्टे होंगे, बाकी गेस्ट हाउस तो बहुत ही है। अच्छा मौसम है, देखो आज जैसे 25 जून है फिर भी हमने स्वेटर पहना हुआ है, मतलब ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम है, तो पंखे वगैरह तो आपके घरों में होते ही नहीं होंगे? नहीं होते, नहीं होते, हमारे कम ही होते हैं कम से कम। कुछ देर से अजीत जी हमारे साथ घूम रहे थे, हमें गांव दिखा रहे थे। अब ये हमें ना अपना ढाबा दिखाने ले आए हैं, ज्योति ईटिंग कॉर्नर। तो आपके पास क्या क्या मिलता है? मैगी तो दिख रही है सामने, लंच मिलता है? लंच इंग्लिश, इंडियन, वेरी गुड, डिनर। अच्छा हमारे को आप वो जगह बताइए जहाँ पे पुरानी मोनेस्ट्री होती थी। कहाँ पर? किधर? बैक साइड। तो ये गोम्पा है, तो जहाँ हम थोड़ी देर पहले गए थे वहाँ पर आग लग गया, तो उसके बाद गांव वालों ने नया मोनेस्ट्री बनाया और ये जगह उससे भी पुरानी है। तो ये इसका मतलब कोई 1500 साल पुरानी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो क्या काम करते हैं, खेती किस चीज की करते हैं? खेती हमारा ये एप्पल का, हाँ एप्पल का वो बाग है। फिर अपना खेतों में हमारा लोकल अनाज बेचते है, फपरा बेचते है, ओगला बेचते है, राजमा बेचते है। और जब ही सर्दी होती है दिसंबर जनवरी में, तो यहाँ बर्फ कितनी पड़ती है? कोई पता नहीं लगता है, बहुत पड़ता है, कोई 5-6 फुट एक बार भी आता है। अच्छा अभी देखो अप्रैल में, इस साल अप्रैल में 3.5 फुट बर्फ आया। अप्रैल में 3.5 फुट बर्फ आ गया। तो एक चीज बताओ, जैसे जनवरी जनवरी फरवरी में भी टूरिस्ट आते हैं क्या, आते है। इतनी बर्फ के अंदर भी? हाँ चले गए। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं रिकांगपियो का बस स्टैंड देखने आया हूँ, अच्छा खासा बड़ा बस स्टैंड है, नाना करते भी 20-25 बसें तो इस समय यहाँ पे खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैंने पता लगाया है शिमला जाने के लिए दिन भर में ना 7 बसेज हैं, 7, सुबह 4-4:30 बजे पहली बस जानी स्टार्ट हो जाती है, फिर हर 2-2 घंटे में एक बस या 3-3 घंटे में एक बस जाती रहती है। शिमला जाने का जो किराया है वो 494 रुपीज़ है। अगर आप यहाँ से काजा जाना चाहते हैं तो उसकी दिन में एक बस है, सुबह 7:30 बजे बस जाती है और 10 घंटे लगते हैं यहाँ से काजा पहुँचने में, उसका किराया है 533 रुपया। चलिए अब हम आगे रिकांगपियो को चलते हैं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है, तो आपको मैं रिकांगपियो का पेट्रोल पंप भी दिखा देता हूँ। हम रिकांगपियो मार्केट आ चुके हैं, ये बाज़ार संडे को बंद रहता है। कुछ देर बाज़ार में टहलते हैं और देखते हैं मोमोज जैसा अगर हम कुछ खा सके। जब आप काजा की ओर जा रहे होंगे तो रास्ता ना रिकांगपियो से ही जाता है, तो कल्पा तो आप आउटसाइड थोड़ा 10 किलोमीटर जाते हैं फिर वापस रिकांगपियो आते हैं, अब आगे काजा को रास्ता जाता है। वैसे हमारा प्लान है कि आज रात को नाइट स्टे हम नाको में करें, बाकी देखते हैं दिन कैसे प्रोग्रेस करता है और कहाँ कहाँ हम कितना समय लगाते हैं। बाज़ार में मैं देख रहा था मोमोज कहाँ खा सकते हैं, तो मार्केट की बैक साइड पे हमें ये मुस्कान फूड सेंटर दिखाई दिया है। थोड़ी सिटिंग स्पेस अंदर की तरफ है और एक टेबल बाहर है, बाहर हम बैठ गए, हमने अपने लिए मोमोज मंगा लिए हैं। मैंने हाफ प्लेट वेज मोमोज लिए हैं, इसमें 5 पीस मिले हैं, और ये मटन मोमोज हैं, इसमें भी 5 पीस हैं। साथ में ये वेज सूप दिया, इसमें ऊपर थोड़ा ये पनीर दिखाई दे रहा है, और ये मटन सूप।
हाईली इम्प्रेस्ड। मोमोज तो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट हैं, पनीर और प्याज की अंदर स्टफिंग है, और ये जो सूप के साथ कॉम्बिनेशन है टेरिफिक है। लाइट मसाले हैं, कोई हैवीनेस कुछ नहीं है, हल्का हल्का धनिया प्याज पनीर का फ्लेवर इस तरह से इसमें सूप में स्वाद आ रहा है। इस तरह का कॉम्बिनेशन मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, स्वादिष्ट है। मटन मोमोज भी साथ के साथ टेस्ट करेंगे, ये अंदर की स्टफिंग। वेरी टेस्टी मटन मोमोज के साथ जो सूप दिया ना इसमें काफ़ी ज़्यादा तीखा है, और इसके अंदर तो तीखा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए, मेरे को इधर का स्वाद अच्छा लगा, आराम से बाहर बैठ के हम टेस्ट इंजॉय कर रहे हैं। अपनी गाड़ी में हम तेल डलवा रहे हैं, इस समय हम रिकॉन्ग पियो पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं। जब आप सांगला से आ रहे होंगे तो आपके रास्ते में एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद ये, और इसके बाद जो आखिरी पेट्रोल पंप आपको स्पीति रूट में मिलेगा वो काजा में है। तो यहाँ से काजा के बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो आमतौर पर ट्रैवलर्स क्या करते हैं, यहाँ रुक कर अपनी गाड़ी का फ्यूल फुल कर लेते हैं। पीओ से चलने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करो, नदी हमारे साथ साथ चल रही है, ये सतलुज नदी है, सामने पहाड़, हम पहाड़ के नीचे, मतलब रोड साथ साथ, और कंटिन्यूसली हमें सतलुज नदी हमारे नीचे यहाँ पे चलती दिखाई दे रही है। मेरे को अभी हमारे साथ जो ड्राइवर, उन्होंने बताया कि 40-45 किलोमीटर आपको यही नज़ारा कंटिन्यूस मिलेगा, ब्यूटीफुल। इस समय हम खैरो ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। 2005 में जब ये ब्रिज बनके तैयार हुआ तो कुछ अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने आए, जब ये इंस्पेक्शन चल रही थी उसी दौरान पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और ब्रिज पानी के साथ ही बह गया, और साथ में वो अधिकारी भी शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस बारे में ब्रिज के उस पार इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। सामने आप पानी का करंट देखिए कितना ज़्यादा तेज है, और जो बात मैंने आपको 2005 की बताई इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर पानी का लेवल है वो कभी भी ऊपर हो सकता है। अब जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, स्पेशली रिकॉन्गपियो पार कर लेने के बाद, यहाँ पर गाड़ी का ड्राइवर और जो साथ में पर्सन बैठा हुआ है दोनों की हाई अलर्टनेस लेवल चाहिए, क्योंकि कोई भी पत्थर कहीं से गिर सकता है। तो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हो तो हाई अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। चलिए 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद आगे को चलेंगे। रास्ते में स्पिलो नाम की एक जगह आई, वहां से हमने 13 किलोमीटर का सफर किया। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से लेफ्ट जाएंगे तो हम चले जाएंगे रोपा वैली, सामने देखिए लिखा भी है रोपा वैली, और राइट चले जाएंगे तो रास्ता नाको लेक और काजा को जाएगा। रोपा वैली यहां से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये आज सुबह ही हमें किसी ने बोला कि जब आप इस रूट पर जा ही रहे हो तो थोड़ा सा डाइवर्जन लेके रोपा वैली भी घूम लो। अब ये जगह देखिए आप जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, एक तो ये नीचे जो नदी जा रही है ना, ये मेरे को सतलुज नहीं लग रही, क्योंकि सतलुज का पानी जो मैंने पीछे देखा था ये पानी के रंग में फ़र्क है मेरे को, लेकिन इस नदी का नाम नहीं मालूम। आप नोटिस करो यहाँ जितने भी पहाड़ हैं चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, इनके अंदर पेड़ बहुत कम हो गए हैं, पौधे बहुत कम हो गए हैं, हरियाली पिछले 10 किलोमीटर में काफ़ी कम हुई है। जब से हमने स्पिलो पार किया है मोबाइल नेटवर्क किसी का भी नहीं आ रहा, BSNL का भी नहीं आ रहा, तो इस समय हम जीरो नेटवर्क कनेक्टिविटी एरिया में हैं।
बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। अचानक धूप आ जाती है, अचानक बादल आ जाते हैं। 10 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। कुछ देर पहले मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा था, वहाँ से नदी का फ्लो देख रहा था, अभी यहाँ खड़े हैं। पहाड़ के ऊपर जहाँ भी नज़र मार के देखो ऐसा लगता है छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे हैं। छोटे मतलब कंपैरेटिवली बड़े, कि अगर एक दो पत्थर भी स्लाइड किया तो ये स्लाइडिंग जोन्स हैं बहुत। स्पिलो से पहले या रिकोंगपियो से पहले ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे ऐसा एरिया बढ़ते जा रहा है। ब्यूटी तो अल्टीमेट है। ब्रिज से हम रोपा वैली की तरफ 2 किलोमीटर आगे बढ़े तो हमने फिर से गाड़ी रोक ली। मेरा मन हुआ गाड़ी रोककर आराम से हम इन पहाड़ों को जी भर के देखें। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आज से पहले इस तरह के पहाड़ कभी नहीं देखे। खास बात यह है कि पहाड़ों पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलकर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ग्रीनरी कम से कम होती जाएगी। सामने देखो एक बस भी आ रही है, इससे ये मालूम चलता है कि रोपा वैली को बस कनेक्टिविटी भी है। थोड़ा आप सामने नदी की तरफ देखो, इसका पानी बहुत अलग है सतलुज की नदी के पानी के मुकाबले में। कितना zigzag रूट से नदी चल रही है दो पहाड़ों के बीच में। व्हाट अ ऑसम व्यू। आप नदी का व्यू देखो, मैं थोड़ा सा पैदल आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है श्यासो। मेरे को ध्यान आ गया कुछ देर पहले ही, किसी ने हमें बताया भी था कि इसका नाम श्यासो खड्ड है और आगे चलकर ये सतलुज नदी को मिल जाता है। चलिए 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे रुके हुए, हम आगे रोपा वैली को बढ़ते हैं। हमें किसी ने बताया था रोपा वैली में एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, हम वहीं पे जाना चाहते हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, अब हमको 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ सड़क का काम चल रहा है। 1, 2 और 3 एक झटके में छलांग मार ली। बढ़िया, लो जी मोनेस्ट्री के पास तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है, कोई है भी नहीं इधर जिससे हम पूछ सकें कि लामा जी कहाँ पर हैं। इस समय मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, हमें 3-4 लोगों ने बोला था कि इस गांव में जब आप आओगे ना तो यहाँ पर आप मोनेस्ट्री विज़िट करना जो बहुत प्राचीन मोनेस्ट्री है। तो अब चांस की बात ऐसी है कि हम अंदर जाके मोनेस्ट्री के आपको कुछ दिखा भी नहीं सकते और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं दे सकते। लेकिन जो गाँव के घर हैं ये देख के काफ़ी दंग हो गया हूँ। पत्थरों के बीच में ना ये वुड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जैसे ये देखो दो पत्थर की लेयर है फिर वुड ब्लॉक, फिर दो पत्थर की लेयर वुड ब्लॉक, और अभी भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा मकान लकड़ी से बने हुए हैं। आओ थोड़ा उस तरफ को चलते हैं और कुछ गांव के मकान और देखते हैं। इस समय लग रहा है गांव वाले सब ना फील्ड में हैं, लेकिन यहाँ पर तो फील्ड कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वेजिटेशन है नहीं, तो लगता है पॉपुलेशन कम है या हो सकता है घर में सो रहे हों, दोपहर का टाइम है। आओ जी सामने के पहाड़ देखो, बर्फ कितनी नज़दीक हमको यहाँ से दिखाई दे रही है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की चोटी बहुत पास है, एरियल डिस्टेंस की बात करें तो मुश्किल से 1 किलोमीटर। मुझे लगता है इस गांव में 1 या 2 होमस्टे भी ज़रूर होंगे, लेकिन इस समय यहाँ कोई भी नहीं है जिससे मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूँ। लो जी आउच, वाओ क्या नज़ारा है। मेरे को यहाँ पर आके वाकई ऐसा लग रहा है कि हम बहुत प्राचीन गांव में हैं। दूर दूर तक पहाड़, इनफैक्ट चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में ये गांव है, और ऐसा मुझको लगता है बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होगी गांव की, शायद 1000 के अंदर ही होगी। इस तरफ के पहाड़ की चोटी पे भी बर्फ और सामने भी। 10-15 मिनट यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, व्यूज़ और अच्छे से देखते हैं, फिर हम नीचे की ओर चलेंगे जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है।
हम गांव से निकल ही रहे थे तो हमारी मुलाकात गांव के प्रधान से हुई है, इनके फ्रेंड भी इनके साथ हैं। मोनेस्ट्री तो हम विजिट नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे गेट पे लॉक लगा है। ये आप हमें बता सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन मोनेस्ट्री है? ये मंदिर जो हमारे पुराना मंदिर है, ये लोचा निमोचे के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर एक रात में बना हुआ है, ये लगभग 1200 वर्ष पहले का बना हुआ है। 1000 वर्ष? हाँ, 1 वर्ष पुराना, 1000 से भी ज़्यादा है, लगभग 1200-1300। जिन्होंने कल्पा में टेंपल बनाया था, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ही ये टेंपल ये भी बनाया? हाँ जी, उन्होंने एक ही है जिन्होंने जो बनाया ना जी, किन्नौर में लगभग 108 टेंपल हैं। 108 एक रात का बना हुआ है जी। इसके बारे में बड़े कम लोगों को जानकारी है, टूरिस्ट को तो कम है इन्फॉर्मेशन। सर अगर इसमें आप हिस्ट्री इसका पढ़ेंगे ना आगे जाके, इसमें हमने शायद दिया हो, इसमें है टूरिज्म, इसमें इस बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें है और पता लगे इस बारे में काफी। इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है? इस गांव की पॉपुलेशन लगभग 650 से 652। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर कोई होमस्टे है रहने की सुविधा? सर अभी तो होमस्टे कुछ नहीं है, लगभग यहाँ से पीछे 3 किलोमीटर गेहूँ में है होमस्टे, बाकी हमारे जो यहाँ पर IPA जो रेस्ट हाउस उसका काम चला हुआ है। अच्छा, अंडर प्रोसेस में। यहाँ पर आके ना वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ तो वातावरण बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे इससे भी अच्छा है, आप यहाँ से आगे जाके ट्रेकिंग भी कर सकते हैं स्पीति के लिए। यहाँ से स्पीति निकल जाए, काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी गुफाएं मिलेंगे आपको देखने के लिए, प्राचीन कुछ अष्ट धातुएं भी मिलेंगे आपको। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके और आपसे मुलाकात हमारी जाते जाते होगी, ये भी लक फैक्टर। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत आपको फिर से बताना, तब तक आप लोगों को रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। अभी कोविड के चक्कर में हम आपको घर में भी नहीं ले सकते है ना जी। धन्यवाद बहुत। कुछ डिस्टेंस और चलकर अभी मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप सामने के पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है देखकर जैसे एटलस होता है ना, जिसमें कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए अलग अलग शेड्स होते हैं, तो सामने के पहाड़ देख के मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। नीचे जो आप नदी देख रहे हो तो ये संगम पॉइंट है स्पीति नदी का और सतलुज नदी का। आज हमें ये टूर स्टार्ट किए हुए 5 दिन हो गए, आज हमारी जर्नी का 5वां दिन है। अभी तक की जितने हमने सीनिक व्यूज़ देखे हैं उन सब के अंदर मुझे ये सीनिक व्यू सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर जो बादल हैं इतने साफ दिख रहे हैं कि बादलों को ही देखकर मज़ा आ रहा है। जहाँ पर देख लो वहीं पे ब्यूटी है, मतलब यहाँ पर पानी का करंट देखो, आपका मन करेगा इसी को आधा घंटा 20 मिनट तक देखते रहो, जी नहीं भरेगा। हमें इस जगह पहुँचे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इस रोड पे एक भी गाड़ी निकलती हुई नहीं देखी। शायद उसका रीज़न ये है, जिन्होंने काजा जाना होता है या नाको जाना होता है वो सुबह निकलते हैं कल्पा से, तो हम तो बीच में रुकते रुकते आए। इस समय 7:45 बजे का टाइम है, कायदे से तो इस समय हमें नाको पहुंच जाना चाहिए था। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, सामने ना ब्रिज के पास मैं जा रहा हूँ और वहाँ चलकर संगम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। सामने देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पहाड़ की चोटी पे बर्फ और बर्फ को छूते हुए बादल। ये देखो जी संगम पॉइंट इस तरफ है, हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। ये सामने सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी यहां से आ रही है और वहां से स्पीति नदी आ रही है और यहां पर संगम हो रहा है। मतलब मेरे को ना सच बताऊं 20-25 मिनट हो गए यहां पे आए हुए, जब से हम यहां पर आए हैं मेरे को अपनी नज़रों पे विश्वास नहीं हो रहा मैं कैसा सीनिक व्यू देख रहा हूँ। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और लाइफ टाइम व्यू अल्टीमेट। लो जी हम ब्रिज के उस पार पहुँच गए, यहाँ पर ब्रिज के नीचे एक ढाबा है, चलकर यहाँ पर चाय पियेंगे। लो जी चाय आ गई है, साथ में मैंने अपने लिए गुड डे बिस्किट मंगा लिया। चाय पीते पीते सीनिक व्यू एंजॉय करेंगे, संगम पॉइंट को बार बार देखेंगे और फिर आगे हम नाको को चलेंगे। नाको यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर। मैं एक चीज़ और सोच रहा था
हम तो ठीक है चाय आए चाय पी और चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं ना, इनका भी बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ढाबा भी ऑपरेट करना कोई आसान बात नहीं है। अभी तो ठीक है मौसम उतना ठंडा नहीं है, लेकिन एक दो महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी और अक्टूबर के आसपास तो यहाँ पर बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर या नवंबर में, और फिर वो 4-5 महीने तक अच्छी खासी बर्फ़ रहती है। फाइनली हम नाको पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने एकोमोडेशन लिया है नाको लेक व्यू गेस्ट हाउस में। इस समय मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, क्योंकि अंधेरा है। यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी में हमको रूम टैरिफ 1500 रुपये पड़ा है। देख के लग रहा है डिसेंट एकोमोडेशन। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिस भी गेस्ट हाउस या रूम में हम रह रहे हैं वहाँ पर पंखे नहीं हैं, ऊपर देख सकते हैं नो फैन। मौसम अभी ठंडा है, यहाँ पर मैंने स्वेटर नहीं उतारा। कल का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि कल का नाइट स्टे हम टाबो में प्लान कर रहे हैं। तो अब देखिए स्पीति का टूर हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने स्पीति में एंट्री नहीं ली, अभी तक हम किन्नौर में ही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हर जगह मैं देख रहा हूँ डायनामिक्स बदल रहे हैं। जैसे आज रिकोंगपियो से चले तो एनवायरनमेंट पूरा बदल गया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, और जो हमारी कल की जर्नी होगी वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो मेरे को किसी ने बताया था जब मैं मैक्लोडगंज गया था कि जो ऑथेंटिक तिब्बतन फूड है ना वो फ्लैट होता है, मतलब उसमें मसाले का कोई स्कोप नहीं होता।